सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने नॉर्मल से वीडियो में कुछ इस तरह का सिनेमैटिक ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो कैपकट एप्लीकेशन के मदद से, और वो भी सिर्फ एक ही क्लिक में। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप भी इस तरह का इफेक्ट अप्लाई करना सीख जाओगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमें जो कैपकट और सुपर वीपीएन ऐप को डाउनलोड कर लेना। कैपकट कैसे डाउनलोड करते हैं इसके ऊपर आपको वीडियो काफी सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप चेकआउट कर लेना। और सुपर वीपीएन जो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और यहाँ पे वीपीएन को कनेक्ट कर लेना सिंगापुर से। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ऊपर की तरफ देख सकते हो। तो कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो एडिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपने वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेना है। HD को ऑन कर देना और यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा और आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो सिंपली आपको अपने वीडियो वाला जो लेयर है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और नीचे की तरफ थोड़ा सा स्वाइप करना तो आपके सामने फिल्टर वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, लोडिंग ले रहा है, और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो सिंपली आपको थोड़ा सा स्वाइप करना है, तो यहाँ पे सीनरी वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला जो इफेक्ट है देख सकते हो मूडी फॉल, इसके ऊपर आपको हमें क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके वीडियो में कुछ इस तरह का टोन आ जाएगा जो कि काफी अच्छा लगेगा। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 80% पे। आप यहाँ पे 100 भी रख सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 80 पे रख के डन कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना है, तो बैक हो जाएगा। फिर आपके सामने इफेक्ट ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ पे जो वीडियो इफेक्ट्स वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्वाइप करना है, और यहाँ पे कुछ लोग एक इफेक्ट को अप्लाई करते हैं, मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन उस इफेक्ट को आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। मैं भी पहले इस वाले इफेक्ट को यूज करता था, लेकिन ये मुझे ज्यादा खास नहीं लगा। सिंपली आपको नाइट क्लब पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कलर शेडो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह का बन जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप इसे प्ले करोगे तो आप देख सकते हो शेडो इधर उधर हो जा रहा है, मतलब जो ग्लो है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस वाले पार्ट में आप देख सकते हो। तो सिंपली हम इसे यूज नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करके रिप्लेस इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इससे बेहतर आपको क्या करना है, जो लाइट इफेक्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो ड्रीमी ग्लो वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसका इफेक्ट आप यहाँ पे एक बार देखो कितना कमाल का लग रहा है। इसके ऊपर सिंपली उसके बाद वापस से क्लिक करना, ग्लो को रख लेना 50, रेंज को रख लेता हूँ 30, और साइज को लगभग यहाँ पे 20% के आसपास रख लेता हूँ। और देख सकते हो गाइस हमारा वीडियो यहाँ पे कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी के रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। नेक्स्ट आपको इसके बाद इसे सेव करने के लिए सिंपली ये वाला जो आइकॉन है ऊपर की तरफ इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देना, तो आपका जो वीडियो है फुल क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।